बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। वक्फ प्रॉपर्टीज के तहफ्फुज के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी, सीएम केसीआर ने जारी किया जीओ। वक्फ प्रॉपर्टी के तहफ्फुज के लिए जीओ जारी करने पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने अकबरुद्दीन ओवैसी और सीएम केसीआर का अदा किया शुक्रिया, जीओ को बताया पावरफुल। कांग्रेस वफद ने की रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी से मुलाकात, कोरोना के दौर में जीएचएमसी इलेक्शन बैलेट पेपर या ईवीएम जो भी मुनासिब है उससे इलेक्शन कराने पर जाहिर किया इत्तेफाक। तेलंगाना कांग्रेस ने मोदी सरकार के किसान बिल के खिलाफ किया एहतजाज, वी हनुमंत राव के नारे लगाने के अंदाज से माहौल हुआ पुरमिजाज। देश भर में जारी किसान बिल के खिलाफ एहतजाज में शामिल हुई कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई ने हैदराबाद में किया एहतजाज, कम्युनिस्ट लीडर अजीज पाशा ने बिल को बताया किसान की खुदकुशी के मुतरातिब। और हैदराबाद में मोहब्बत की शादी का सामने आया भयानक अंजाम, लड़के को किडनैप करके कर दिया गया मर्डर, लड़की के बाप पर लगाया जा रहा है इल्जाम। और अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत में वक्फ प्रॉपर्टीज के तहफ्फुज के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पुरजोर वकालत और असेंबली में आवाज उठाने के बाद सीएम केसीआर ने बड़ा फैसला लिया है, जानेंगे तफसील इस रिपोर्ट में। रियासत तेलंगाना में पिछले कुछ महीनों से आए दिन वक्फ लैंड पर कब्जे और इन्हें बेचने की खबरें आम होती जा रही थी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड को भी इन बातों से बार बार वाकिफ करवाया गया, ताहम वक्फ बोर्ड की सुस्ती का सिलसिला जारी था। ऐसे में असेंबली सेशन में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से वक्फ प्रॉपर्टीज के तहफ्फुज के लिए पुरजोर मांग की गई। सारी डिटेल्स और तजावीज के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में आवाज उठाई, जिसका कामयाब असर उस वक्त दिखाई दिया जब तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस जिमन में एक जीओ जारी किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर सीएम केसीआर ने वक्फ प्रॉपर्टीज के तहफ्फुज के लिए जीओ जारी करते हुए वक्फ लैंड का अनऑथोराइज्ड ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन या मिसयूज यानी गलत इस्तेमाल पर लगाम लगा दी। वक्फ प्रॉपर्टी के तहफ्फुज में कई मरतबा नाकामी का इल्ज़ाम सह चुके वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनकी कामयाब नुमाइंदगी के बाद ही सीएम केसीआर ने वक्फ प्रॉपर्टीज़ के तहफ्फुज के लिए अहम जीओ जारी किया। अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर सीएम केसीआर की जानिब से वक्फ प्रॉपर्टीज़ के तहफ्फुज के लिए जीओ जारी करने पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने इंतहाई खुशी जाहिर करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने हर 30 सेकंड के बाद सीएम केसीआर और केटीआर को मुबारकबाद पेश की, तो वहीं उन्होंने एतराफ भी किया कि इस इंतहाई अहमियत के हामिल जीओ जारी करने में अहम रोल मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का रहा है। और जियो जो है ना पावरफुल जियो है, जहाँ भी वक्फ प्रॉपर्टी है वहाँ पर म्युनिसिपल परमिशन नहीं देना और वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन नहीं करना, और जहाँ भी इंक्रोचमेंट है रिवेन्यू कलेक्टर सब लोग मिलकर जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को एंडर करना। और ये जो केसीआर साहब जो काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में, कोई सीएम आज तक ऐसा एकदम नहीं उठाए। मैं केसीआर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा काम हुआ है। ये काम कोई मामूली काम नहीं है, और अल्लाह मियाँ इनको जो है 100 साल रखे, केसीआर साहब को, केटीआर साहब को, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है जो प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए।
केसीआर साहब, केटीआर साहब का मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, और इसमें हमारे अकबर साहब का भी इसमें ताउन रहा ये काम में सीएम साहब को याद दिलाने में। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो जो लोग इसमें ताउन करे हैं। बहरहाल फिर उन्होंने इंतहाई खुशी के आलम में हमेशा की तरह सीएम केसीआर की कई मरतबा तारीफ करते हुए ये तक कह दिया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में रियासत के 13 सीएम्स की कारकर्दगी देख चुके हैं, लेकिन सीएम केसीआर जैसा उन्हें आज तक कोई नजर नहीं आया। मैं दिल की गहराइयों से केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट मैं भी 13 सीएमओ को देखा, मगर केसीआर साहब के वैसे सीएम को मैंने देखा, क्योंकि केसीआर साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कल्चर को जानने वाले सीएम जो है ना केसीआर साहब है। पर मैं केसीआर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसी गवर्नमेंट इंडिया में भी नहीं है ना, मैं अभी तक देखा पैदा हुए जब से। जीएचएमसी इलेक्शन के जल्द होने की खबरों के दरमियान मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदों की जानिब से रियासती इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकातें करने का सिलसिला जारी है। बीजेपी टीआरएस के बाद अब कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्था सारथी से आज मुलाकात की। मर्री शशिधर रेड्डी की क्यादत में कांग्रेस के इस वफद में जी निरंजन रेड्डी, पी राजेश कुमार व दिगर शामिल थे। इलेक्शन कमिश्नर के साथ होने वाली इस मीटिंग में कांग्रेस ने अपनी तजावीज रखी। बाद अजा मीडिया से बात करते हुए मर्री शशिधर रेड्डी ने इस बारे में मजीद जानकारी दी। जीएचएमसी का चुनाव किस तरह से हो, ईवीएम के जरिए हो या बैलेट बॉक्स के जरिए हो, इस चीज के बारे में सारे पॉलिटिकल पार्टीज को चिट्ठी लिखा गया था कि हम अपनी राय जाहिर करें। हमने एक चीज आज साफ कहा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से, किस सिस्टम से कम तकलीफ हुई, वो दोनों भी जो सिस्टम है उससे कुछ ना कुछ रिस्क हो सकता है इस कोरोना के माहौल में, कौन से सिस्टम में कम से कम रिस्क होगा, हमारे लिए सबसे अहम यही चीज़ होगी। इसमें कोई सियासत की बात नहीं है, और कौन से कम रिस्क हो सकता है, हम उसी सिस्टम के बारे में हम चाहेंगे कि इलेक्शन हो। मुझे अफसोस है कि टीआरएस पार्टी ने कल एक लाइन का चिट्ठी लिखा कि हम बैलेट बॉक्सेस से इलेक्शन चाहते हैं, आज यहाँ पर वो उनकी सरकार है और उनके पास सारे एक्सपर्ट्स मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के यहाँ का पूरा तजुर्बा है कि किस तरह से हो रहा है, उसके ऊपर उन्होंने कोई कोशिश नहीं की मालूम करने की कोई कौन सा ठीक है। शहर हैदराबाद की खूबसूरती में मजीद इजाफा करने वाला केबल ब्रिज का आईटी मिनिस्टर केटीआर ने आज इनॉग्रेशन किया। हैदराबाद के लिए लैंडमार्क साबित होने वाला केबल ब्रिज अब आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इनॉग्रेशन की इस तकरीब के मौके पर दीगर वज़रा और टीआरएस कायदीन मौजूद थे। इससे पहले इस ब्रिज का इनॉग्रेशन 18 सितंबर को होने वाला था, जिसके लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों की जानिब से बहुत पहले से ही इनॉग्रेशन की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई थीं। माधापुर दुर्गम चेरू पर तामीर करदा इस ब्रिज के आवाम को दस्तियाब हो जाने के बाद बड़ी हद तक ट्रैफिक मसाइल हल होने की उम्मीद है, और आईटी प्रोफेशनल की आमद व रफ्त के लिए भी ये ब्रिज सहूलत बख्श साबित होगा। इसके अलावा ये केबल ब्रिज शहर हैदराबाद के सियाहती मराकज में एक और इजाफा भी साबित होगा। इस ब्रिज की तामीर पर 184 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2 साल के दौरान ब्रिज की तामीर मुकम्मल हुई। इस ब्रिज के तामीर की जिम्मेदारी L&T कंपनी को सौंपी गई थी। ब्रिज की तामीर के लिए मुकम्मल केबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। मुल्क में इस तरह का पहला केबल ब्रिज हैदराबाद में तामीर किया गया है। मरकज में नरेंद्र मोदी सरकार की जानिब से लाए गए मुतनाज़ एग्रीकल्चर बिल के ख़िलाफ़ देश भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज हैदराबाद में भी कांग्रेस की जानिब से इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से मोदी सरकार के नए किसान बिल के ख़िलाफ़ और पार्लियामेंट में अपोजिशन अरकान को सस्पेंड करने के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद वी हनुमंतराव की क़यादत में कांग्रेस पार्टी अराकीन ने ज़मीन पर बैठकर नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर नारे लगाए। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, किसानों का दुश्मन कौन है? नरेंद्र मोदी, किसानों का दुश्मन कौन है? नरेंद्र मोदी।
कांग्रेस अराकीन ने कॉरपोरेट का दोस्त कौन मोदी जैसे नारे लगाते हुए अपने एहतजाज को जारी रखा। वी हनुमंत राव ने भी मजाहिया अंदाज में नारे लगाते हुए इस एहतजाज में नई रूप फूकी और सबकी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज की। बाद यहां मीडिया से बात करते हुए वी हनुमंत राव ने मोदी सरकार के किसान बिल को किसान मुखालिफ करार देते हुए कहा कि मरकज हुकूमत किसानों को बदहाल करने के दर पे है। दिल्ली में जो पार्लियामेंट चला किसानों के हित में नहीं है, कोरोना बीमारी से लोग परेशान है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिए और बिल भी पास करे वो किसानों के हित में नहीं है, किसानों के जिंदगियों से खेल रहे, किसानों के मुंह में मट्टी डाल रहे, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को लाभ करने का बिल लाए और 8 एमपीओं को बाहर करके बिल पास कर लिए, वो बाहर बैठे हुए, उसके बाद 7 बिल भी पास कर लिए, कल कहीं की शनि डे के दिन कल 3 वो भी लेबर बिल भी पास कर लिए। तो ये नरेंद्र मोदी पहले से कॉरपोरेट सेक्टर का फायदा करने को आए, क्यों बोलते गुजरात बोलते ही बिजनेस वाले, गुजरात में मुकेश अंबानी हो गौतम अदानी हो ये बड़े बड़े कॉरपोरेट वालों को फायदा करने के वास्ते नरेंद्र मोदी आए, वही काम कर रहे। मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ किसानों के साथ नाइंसाफी हो। देश भर में जारी किसान बिल के खिलाफ एहतजाज में कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी हिस्सा लिया। हैदराबाद में भी CPI की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। हैदराबाद के इलाके बशीरबाग में वाक़ इनकम टैक्स भवन के सामने की फिजा मोदी सरकार मुखालिफ नारों से गूंज उठी। मुल्क भर में मोदी सरकार के किसान बिल के खिलाफ जारी आंदोलन की आवाज़ें यहां से भी उठी। CPI की जानिब से मुनाकिदा इस एहतजाज में CPI पार्टी के सीनियर लीडरों के हमरा बड़ी तादाद में कारकुनों ने भी शिरकत की। इस मौके पर खबरदार खबरदार मोदी सरकार और मोदी सरकार होश में आओ जैसे नारे भी लगाए गए। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए सीनियर कम्युनिस्ट लीडर अजीज पाशा ने मोदी सरकार के इन बिलों को किसानों की खुदकुशी के मुतरादिफ करार दिया। मोदी सरकार खबरदार, नरेंद्र मोदी सरकार। सर भाई पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया गया है 3 बिल इन किसानों के बारे में, ये किसानों की खुदकशी के मुतरदिफ है। हुकूमत समझती है कि इसकी वजह से इनका भविष्य और मुस्तकबिल अच्छा होगा नहीं, बल्कि उनके लिए खुदकशी बराबर होगा। आज 18 पार्टी मिल के नाकों को वॉकआउट किए, बल्कि उसके बाद जो है आज भारत बंद का सब लोगों ने अपील की है। तो उसके साथ साथ राष्ट्रपति को भी कहा गया कि बिल की मंजूरी न दें, इसकी वजह से आने वाले दिनों में वो किसानों के ऊपर बिल्कुल बहुत सारे जो है मुसीबतें आएंगी, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें रेगुलेटरी ठीक नहीं है। ये लोग समझ रहे हैं कि इसकी वजह से इनका जो है मुस्तकबिल बेहतर होगा। पहले मंडी है ना तो इनके कीमतें फिक्सअप करती थी, अब बड़े बिग प्लेयर्स ना करेंगे। CPM और CPI के अलावा आदिलाबाद सदर कांग्रेस साजिद खान समेत कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने किसानों के बिल को सेंटर में मुतारिफ करवाने के खिलाफ किसान यूनियनों के JAC के जेर अहतमाम आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होने वाले एहतजाज में हिस्सा लिया। मुजाहरीन ने इस बिल के खिलाफ नारेबाजी की और बिल के कागज़ को जला दिया गया। यह एहतजाजी धरना कलेक्ट्रेट के रूबरू दिया गया। इससे पहले R&B गेस्ट हाउस से रैली भी निकाली गई। तेलंगाना स्टेट फार्मर्स यूनाइटेड एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने कहा कि वह उस वक्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक मरकज नए किसान मुखालिफ बिल को वापस नहीं लेता। नए बिल से मुल्क में किसानों को शदीद नुकसान का सामना होगा। धरने के दौरान एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान ज़बरदस्त धक्कमपेल भी हुई। ये धक्कमपेल उस वक्त हुई जब एहतजाजियों ने ज़िला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश करने के लिए कलेक्टर ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने मुजाहरीन को तहवील में ले लिया। बोले
तेलंगाना के जिला वरंगल रूरल के रायपर्ति मंडल में हुकूमत के नए रेवेन्यू कानून की हिमायत में रियासती वजीर पंचायत राज एराबल्ली दयाकर राव की क्यादत में 5 किलोमीटर तवील रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में मुकामी अफराद ने ट्रैक्टर्स बैल बंडियों के अलावा पैदल यात्रा की। रियासती वजीर ने ट्रैक्टर चलाकर इस रैली में शिरकत की। उन्होंने बाद अज़ां सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। इसी तरह महबूब नगर जिले में भी मिनिस्टर निरंजन रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना के नए रेवेन्यू एक्ट की हिमायत में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। खुद मिनिस्टर्स निरंजन रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ ने ट्रैक्टर चलाते हुए इस रैली में शिरकत की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।